हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर 5 विदेशी व्यापार में क्रय विक्रय की शर्तें। पिछले वीडियो में हमने आपको विदेशी व्यापार में जो है इंडेंट में लिखी जाने वाली बातें एवं शर्तों के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको विदेशी ऑर्डर और इंडेंट में अंतर बताने जा रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ऑर्डर एंड इंडेंट, तो अंतर का आधार जो है, पहला अंतर का आधार है आदेश प्राप्तकर्ता। तो विदेशी ऑर्डर जो होता है उसमें आयातकर्ता द्वारा सीधा उत्पादक या निर्माता को भेजा गया माल का आदेश होता है। इंडेंट में होता है कि आयातकर्ता द्वारा निर्यात एजेंट को भेजा गया माल का आदेश होता है। आवश्यक निर्देश, विदेशी ऑर्डर में आदेश में माल भेजने के संबंध में सभी आवश्यक निर्देशों का होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंडेंट में माल भेजने के संबंध में सभी आवश्यक निर्देशों का होना जरूरी है। लिखित एवं मौखिक, विदेशी ऑर्डर लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है, इंडेंट सदैव लिखित ही होता है। प्रकार, विदेशी ऑर्डर या एक ही प्रकार का होता है और इंडेंट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, खुला इंडेंट तथा बंद इंडेंट। प्रयोग, विदेशी आदेश का प्रयोग देसी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापारों में समान रूप से होता है तथा इंडेंट का प्रयोग केवल विदेशी व्यापार में ही होता है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यापार, विदेशी आदेश प्रत्यक्ष व्यापार में दिया जाता है और इंडेंट जो होता है वो अप्रत्यक्ष व्यापार में दिया जाता है। प्रारूप, विदेशी ऑर्डर इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है और इंडेंट का एक निश्चित प्रारूप होता है। आदेश की प्रकृति, विदेशी ऑर्डर केवल माल का आदेश होता है, माल को एकत्रित करने का आदेश नहीं होता है। इंडेंट जो होता है वो माल का आदेश होने के साथ साथ यदि माल निर्यात प्रतिनिधि के पास नहीं है तो माल को एकत्रित करने का भी आदेश होता है। प्रचलन, विदेशी ऑर्डर कम प्रचलित है और इंडेंट जो है वो अधिक प्रचलित है। तो स्टूडेंट, ये आपका विदेशी ऑर्डर तथा इंडेंट में अंतर था।